मंच पे जल्दी हो जाएगा। यूथ अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी श्री असित सिंह जी, राजा जी, एमपी गुप्ता जी, वीरेंद्र खत्री जी, खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे ज्यूरी मेंबर्स हैं यहाँ पर, श्रीमती स्मिता मिश्रा जी, सैयद मुबिन जैना साहब, रवि प्रकाशर जी, प्रियंका लांबा जी, डीजे सिंह जी, विनोद कुमार शुक्ला जी, सुरेंद्र सिंगल सिंह जी, और हर राज्य को यहाँ रिप्रेजेंट करते हुए आप सभी स्मार्ट सी स्टैश वगैरह जो बैठे हैं, आप सबका यहाँ बहुत तहे दिल से आप यहाँ आमंत्रित हैं। और जिस तरह से आपने इस माहौल को गर्म कर दिया, मुझे इरादा यही था कि जिस तरह से ये शुरुआत हुआ था मुझे थोड़ी नींद आने लग रही थी, और यहाँ पे जो कई लोग बैठे थे वो भी सो रहे थे, तो मुझे लगा कि सबको जगाया जाए, तो फिरोज ने और संगीता ने सबको जगा भी दिया और माहौल को गर्म भी कर दिया। मैं बधाई देना चाहूँगा यूथ डिपार्टमेंट को, ये डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जो आप पिछले 3 साल से करा रहे हैं, जाहिर है जिस तरह से शुरुआत हुई है एक खूब शानदार यहाँ पर विचार रखे जाएंगे मंच पर, और जिस मात्रा में आपने जिलों के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है, जिस तरह से पार्टिसिपेशन हुई है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। मुझे नहीं पता कि जिलों में ब्लॉक्स में किस तरह का पार्टिसिपेशन हुआ है, आप सब वहाँ से मुकाबला करके आए हैं, वहाँ पे मुकाबला हुआ था कुछ या वॉकओवर हो गया था? हुआ था मुकाबला? मुझे थोड़ी आप सब से बात करनी है, जरा माइक डाउन, चलिए किसी के पास भी ले जाइए। मध्य प्रदेश, अपना नाम बताइए और कितने दिन मुकाबला हुआ था, कैसा हुआ था बताइए। So I'm Toba Hayat Khan. Okay. So state competition, state level का तो एक दिन में हो गया था। Okay. How many participants were there? 37 participants were there. State level. Yes, sir. And when you started at the district level at that point of time, which district are you from? So Chindwara. Okay. How was the competition there? So 25 participants were there at the district level. And are you in college? Yes, I'm a first year student. And have you always been participating in the debates and Yes, sir. In the debates I've been participating. Arunachal? Hello, sir. Yeah, hi. Sir, my name is Omuk Burton. And yeah, we had our district level and state level competition here. What made you participate in this? Sir, I'm a fresher actually. I've never been in this kind of competitions. So it's a new experience for me. First time participating? Yes, sir. Jammu and Kashmir? Hello, sir. कहाँ से हैं आप? मैं डोडा से। डोडा से। बताइए आपका नाम क्या है? नवाब से। नवाब, बताइए कैसा रहा हमारा मुकाबला? बहुत अच्छा रहा। कितने लोग थे तकरीबन? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे वहाँ 25 थे और स्टेट लेवल पे 21 थे। कंपटीशन भी बहुत अच्छा होता है हमारे। इसी टॉपिक पे तो कंपटीशन था या और भी टॉपिक? इसी टॉपिक। जजेस कौन थे वहाँ? नहीं, प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, नहीं पता, नहीं जानते थे जजेस को? तेलंगाना? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। सर बहुत अच्छा था कंपटीशन। व्हाट्स योर नेम? आई एम मैत्री सर। मैत्री, यस सर। ब्लॉक लेवल पे तो 20-30 मेंबर्स थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 15-17 members थे, पर state level पे तो हमारे discussion। How long have you been participating in such debates? Sir, I have been participating in my own state, sir, but for the national level, this is the first time I've come here. How many of you have come for the first time to Delhi? I can't believe this. All of you, fantastic. And I hope you all are going to watch the Republic Day parade. Yes or no? Yes. Okay, pass the mic that side. Manipur. क्या करें, आपने पूरे नाम अपने लगा रखे हैं तो वेरी इजी को फिर कॉलर पे स्टे। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आई एम रीना थामसा, आई एम रिप्रेजेंटिंग मणिपुर। सो व्हाट डू आई से, टेल मी व्हाट 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 व्हाट्स बीन योर एक्सपीरियंस सो फार?
Okay, sir. In our Manipur, you know, this kind of exposure is not much common. So, block level, I just walk in. And district level, only three participants. There were only three participants. And at state level, there were 10 participants. So this is my first time in all this kind of competition. I've never been exposed to this kind of competition. So it's like, when I go back... Are you in college? Yes, I'm in college. So like, when I go back home, I'll be, you know, reaching out to youths, telling them you should do this, this. Can you become a brand ambassador there? And start telling people? I would love to. Okay, thank you. West Bengal. Ji. Good morning, sir. Morning. Tell us about yourself. Myself, from why I asked me, I belong to West Bengal, Kolkata. लेकिन जो सब्जेक्ट है किस तरह से हम देशभक्ति हो या देश निर्माण हो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसमें कोई संदेश इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि अगर नेशन बिल्डिंग करनी है तो उसमें हम सबको जुड़ना पड़ेगा आप मुझे बताइए जिस तरह से कई बार सड़कें बनती हैं कहीं बिल्डिंग बनती है हम आउटसोर्स कर देते हैं हम काम किसी को दे देते हैं जो स्पेशलिस्ट होता है हम काम उसको दे देते हैं होता है नहीं होता ऐसा देश बिल्डिंग का नेशन बिल्डिंग का काम कभी आउटसोर्स हो सकता है किसी को एक बड़ी कंपनी विदेश से लाई जाए अमेरिका से कोई कंपनी लाई जाए उसको बोला कि आप भारत का निर्माण करके दीजिए देशभक्ति का निर्माण करके दीजिए ऐसा नहीं होता ये हर व्यक्ति को लगना पड़ता है और कुछ महीनों में तो आपने काफी सुना होगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की खूब बात होती है कि हम भारत के नागरिक हैं संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं ये सुनते रहते हैं उसी संविधान के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिटीजन कि हर नागरिक की एक जिम्मेदारी है उसी संविधान में लिखा हुआ है मैं ऐसे नहीं कह रहा तो हर नागरिक को ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि जहां हमें वो संविधान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है तो वही संविधान हमारे पे एक जिम्मेदारी भी रखता है और बड़ी सरल जिम्मेदारी है कि हम जो भी काम करें हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो अपनी तरफ से बेहतरी से काम करें दैट इज गिव योर बेस्ट टू व्हाटएवर यू आर डूइंग सो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन अस अब एक नेशन में और एक कंट्री में फर्क होता है हम अक्सर इन दोनों को एक ही जैसा बोलते हैं लेकिन कंट्री तो वो ही जहां पर कोई सेल्फ गवर्निंग एक बॉडी हो लेकिन नेशन वो नहीं नेशन होता है जब कल्चर एक जैसा हम बचपन से जब स्कूल में पढ़ते हैं हम किताबों में यही पढ़ते हैं कि हमारी अलग भाषा हमारी अलग वेशभूषा लेकिन हमारा देश एक है अलग अलग रंग है लेकिन देश एक है ये हम बार बार पढ़ते हैं अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं अगर किसी बड़े शहर में आप रहते हैं जहां अलग अलग राज्य से अलग अलग प्रदेशों से बच्चे आके पढ़ते हैं आप देखेंगे कि सबको सबकी अपनी अपनी भाषा होती है अपने अपने वेशभूषा होती है लेकिन जब स्कूल में आते हैं तो एक ही स्कूल की ड्रेस में आते हैं एक ही स्कूल की ड्रेस में आते हैं क्यों ऐसा है कि सबको एक ड्रेस पहनाई जाती है जब सेना में सिपाही आता है तो अलग अलग प्रदेश से आता है क्यों जरूरी है कि उसको एक ही यूनिफॉर्म पहनाई जाए ताकि एक समान हो जाए अपनी जो इंडिविजुअल लिमिटेड आइडेंटिटी है वो इंडिविजुअल लिमिटेड आइडेंटिटी एक मैक्रो आइडेंटिटी एक सिंगल बिग आइडेंटिटी में मर्ज हो जाए इसलिए बनाया जाता है और ये बहुत जरूरी होता है खासतौर से हमारे जैसे देश के लिए जो इतना बड़ा है और इतना डाइवर्स है बहुत ही कम देश होंगे पूरे विश्व के अंदर ऐसे जिसमें इस भारत की तरह की डाइवर्सिटी है ये अपने आप में बहुत अपने आप में सुंदर भी है बट अपने आप में एक चुनौती भी आज जब धीरे धीरे रीजनलिज्म बढ़ता जा रहा है मैं हम से ज्यादा मैं होता जा रहा है अगर वो बढ़ता ही रहेगा तो ये संभव है कि हर प्रदेश
या प्रदेश का एक छोटा भाग, बोलेगा मेरी आइडेंटिटी अलग है, मैं तो भाषा ही अलग बोलता हूँ, मैं तो जो खाना खाता हूँ वो आपके खाने से कितना अलग है, मेरी वेशभूषा देखिए आपसे मिलती नहीं है, तो हम एक राष्ट्र कैसे हो सकते। और इस तरह से अगर छोटे छोटे राष्ट्र बनने लगे तो हमारी जो सिंगल आइडेंटिटी है वो सिंगल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। और शायद यही कारण रहा कि चलिए आप सब अपनी अपनी इंडिविजुअल जो आपकी स्पेशलिटीज है वो रखिए, आपका कल्चर है होना चाहिए, वो कल्चर नहीं होगा तो मजा कहां आएगा, वो रंग नहीं आएगा, आप रखिए। लेकिन क्यों ना हम को एक सिंगल सिंबल रखें, वो सिंगल सिंबल जब दिखे तो हम बोले ये सब उंगलियां उठा के बोले ये मेरा है, मैं इसका हूं। कि वो सिंगल सिंबल क्या हो, तो हमारे पूर्वजों ने कहीं मिलकर एक तिरंगा झंडा बनाया कि चाहे आप आसाम में रहते हो या बंगाल में रहते हो या राजस्थान या केरल में रहते हो, जब ये झंडा ऊपर जाए तो सब मुड़ के बोले ये झंडा मेरा है और सब उसको सलामी है, ऐसा एक भाव। और ये करना जरूरी हो जाता है। अभी आपने एक फिल्म देखी होगी उड़ी कुछ एक में, उसमें वो चिल्लाता है कि हाउ तो जोश, इस तरह से सब लोग उसका जवाब देते हैं। ये सेना में बहुत होता है, सेना में इसलिए होता है कि सब एक साथ प्रेरित हो जाएं एक नारे पर। अब जब पलटन होती है उसके अंदर अलग अलग धर्म के होते हैं, जब हमला करने जाएंगे उनको अलग अलग थोड़ा ना बताएंगे कि जय हनुमान के करो तुम, जय ये करो तुम, अल्लाह को याद करो तुम, तो वो करते करते तो हमला हमारे पर हो जाएगा नहीं। तो एक सिंगल रखा जाता है नारा जिसके साथ सब अलाइन कर जाते हैं, उसी तरह से एक राष्ट्रगान रखा, उस राष्ट्रगान जैसे ही बजता है तो हम सब उसके सम्मान में खड़े होते हैं कि हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं। ये कुछ एक आइडेंटिटीज रखनी बहुत जरूरी है ताकि हमारा नेशन, हमारा कंट्री एक ही रहे। और इस नेशन को और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी आउटसोर्स नहीं करेगी किसी, ना ही किसी विदेशी कंपनी को आउटसोर्स करेगी है, ना ही सरकार को आउटसोर्स करेगी है। ये सरकार का काम नहीं है कि वही नेशन बिल्ड करे। आप जब स्कूल में जाते थे आपके पेरेंट्स ने स्कूल की फीस भरी थी, लेकिन क्या उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम बच्चों का पालन पोषण नहीं करेंगे, ये सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी है, ऐसा तो नहीं था। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, सब शामिल होकर आपका चरित्र बिल्ड करते हैं, आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करते हैं, आपको एजुकेट करते हैं, लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है। ये नहीं कि स्कूल में सुबह 9 बजे से शुरू हुआ तो 2 बजे 4 बजे खत्म हो गया और पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं सिर्फ स्कूल टीचर्स की, क्योंकि आपने फीस दी है भाई, कोई कम बात है क्या, फीस दिया आपने, आपने टैक्स दिया है, कोई कम बात है क्या, सिर्फ सरकार नेशन बिल्ड करेगी। लेकिन ये कोलैबोरेटिव एफर्ट, इसमें सबको शामिल होकर करना होगा। और अगर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, तो वो सबका साथ सिर्फ विकास के लिए नहीं है, ये सबका साथ नेशन को बिल्ड करने के लिए भी है। कि हम जब सब साथ में आएंगे तभी नेशन बिल्ड होगा। और उसी के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू करा एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। और ये हम सेना में भी करते थे, मैं सेना का उदाहरण बार बार देता हूँ कि 23 साल सेना में रहा हूँ, बचपन से क्या 11वीं के बाद सेना में चला गया था, इसलिए बार बार वो उदाहरण देता हूँ। लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत का कॉन्सेप्ट ये आर्मी में होता रहता है अभी भी, और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि असम से उठकर आप बंगाल में जाकर कुछ स्टूडेंट्स रहे वहां 25-50 दिन वहीं रहे, वहां जाकर उनके उनका पहनावा, उनका खाना, उनकी भाषा, वो जब रहेंगे तब उनका सम्मान करना शुरू करेंगे, तो बड़े अच्छे लोग। हम अभी तो आज नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं विदेश सबसे पहली बार गया था जब मैं 28 वर्ष का था, आजकल तो बचपन में बहुत लोग जाने लग जाते, मैं नहीं गया था। और 28 वर्ष की आयु से पहले मैं पूरी तरह से सेना में था और सरहद पर रहा हुआ था बहुत लंबे समय तक। और सेना में जो बार बार ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग यही होती है कि जो सरहद पार है वो उसके ऊपर पूरा शक की निगाह से देखा जाता है, तो हर चीज के ऊपर शक करा जाता है। तो मुझे लगता था जैसे सरहद के पार जो लोग रहते हैं वो दूसरे लोग हैं, हमारे जैसे तो है ही नहीं।
लेकिन जब देश विदेश में जाने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि ये विश्व के अंदर एक ही मानवता है, उनकी खुशियां उनके दुख रीति रिवाज तकरीबन सेम ही है, जड़े उनकी सब सेम है, यहां तक कि शब्द, इतने शब्द एक जैसे हैं। इटालियन के अंदर कमरे की चाबी को क्यावी बोलते हैं, चाबी से मिलता जुलता नहीं है क्यावी, और कमरे को क्या बोलते हैं, कैमरा, कमरे को कैमरा बोलते हैं। तो इतने सारे शब्द हैं एक जैसे हैं। So, नेशन बिल्डिंग और ये जो सब जो सब्जेक्ट पे आप बात कर रहे हो, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि आज यहाँ खूब अच्छा डिबेट तो हो ही हो, लेकिन आप जब यहाँ से जाएं तो इसको कंटिन्यू करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस बारे में पता चले। आप अपने वीडियोज रिकॉर्ड करिए, अगर यहाँ साधन हो तो आप रिकॉर्ड करके इनको दीजिए, हैव देयर वीडियोज रिकॉर्डेड ऑफ देम स्पीकिंग एंड गिव इट टू देम सो दैट दे कैन यूज इट, पुट इट आउट इन द सोशल मीडिया। और इस बात को याद रखिए कि कुछ एक सिंबल्स इस देश के ऐसे हैं जिसको हमें सम्मान करना अति आवश्यक है, क्योंकि वो एक हमारी पूरे देश की एक आइडेंटिटी बनाते हैं। और अगर कोई सुधार देश में चाहिए तो वो आप ही कर सकते हैं। इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, इट्स अ कंटीन्यूअस एफर्ट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल मिस ऑल द लवली डिबेट्स दैट यू विल हैव। योर जजेस आर मोर लकियर देन मी। I wish you all the best. Thank you so much.